ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भारत के निर्देश अनुसार ऊर्जा एवं जल संरक्षण के प्रति कृषकों में जागरूकता लाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके परिपालन में आज कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य रूप से क्रीड़ा विभाग के रविकांत भारद्वाज ने ऊर्जा एवं जल संरक्षण के बारे में अवगत कर नई तकनीकों के साथ कृषि किए जाने एवं स्टार रेटेड विद्युत उपकरण उपयोगिता हेतु जागरूक किया तथा ऊर्जा एवं जल संरक्षण करने हेतु सभी उपस्थित कृषकों से अनुरोध किया। केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं निदेशक डॉक्टर नारायण साहू ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में बिजली एवं जल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न ऊर्जा संकट तथा निरंतर गिरते हुए जल स्तर के कारण भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के निदान एवं संरक्षण के बारे में विस्तार कर जानकारी साझा किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य तथा ऊर्जा एवं जल संरक्षण का महत्व के साथ साथ आगामी समय में इनकी आवश्यकता के बारे में कृषकों को जानकारी दी गई, जिससे किसानों को लाभ मिले। आज क्रेडा विभाग दंतेवाड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में किसानों के लिए एक दिवसीय जो है ऊर्जा एवं जल संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह जो कार्यशाला है, इसमें हम ये बताएंगे कि हमारा जो ऊर्जा है उसका खेती में इस्तेमाल होता है और खेती में इस्तेमाल के साथ साथ हम उसका किस प्रकार से संरक्षण करें। साथ ही साथ पानी का भी एक महत्वपूर्ण रोल जो है खेती में रहता है, तो खेती में पानी का उपयोग भी करना है और उपयोग के साथ साथ पानी का संरक्षण कैसे करना है ताकि हम भविष्य में फसल जो है वो फसल को हम आसानी से ले सकें, तो इस विषय को ध्यान में रख करके यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह जो कार्यक्रम है, ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कृषि विज्ञान केंद्र में क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित किया गया और इसमें कृषकों को हम ऊर्जा संरक्षण के उपाय के बारे में अवगत कराते हैं। तो चूँकि हमारा विभाग सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अतः सौर ऊर्जा के अंतर्गत जैसे कि जो सौर सुजला योजना अंतर्गत जो पंप लगाए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो जल प्रदाय व्यवस्था ग्रामों में की जा रही है, इस संबंध में विस्तृत रूप से कृषकों को और ग्रामीणों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी प्रदान किया गया।